डियर स्टूडेंट्स आज हम एनिमल डाइवर्सिटी मॉड्यूल पे बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में इनवर्टिब्रेट्स जानवरों का वो ग्रुप जिसमें बैकबोन मौजूद नहीं होती अब आर्किटेक्चरल प्लान जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनानी हो उसके आर्किटेक्चर में ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट किरदार होता है इसी तरह से एनिमल्स की आर्किटेक्चर प्लान में सेल्स का इम्पॉर्टेंट किरदार है सेल्स जो हैं ये अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं इसको हम कहते हैं पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में किस किस तरह के हैं अब पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एसमिट्रिकल एनिमल्स और सिमेट्रिकल एनिमल्स एसमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जिनके अंदर उनका सेंट्रल पॉइंट जो है वो एबसेंट है या इनके अंदर एक्सिस अराउंड विच बॉडी पार्ट्स आर इक्वली डिस्टर्बड इज एबसेंट इसमें जानवरों के ग्रुप प्रोटीस और स्पॉन्जिज इंक्लूड करते हैं जबकि समिट्रिकल एनिमल्स का ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर जानवर जो है इनके बॉडी पार्ट्स अपने आप को एक पॉइंट या एक्सिस के गर्द अरेंज करते हैं समिट्रिकल एनिमल्स में आगे इसकी दो ब्रांचेज़ हैं रेडियल सीट्री और बाइलेटरलमिट्री रेडियल मेट्री वो होगी जिसके अंदर एनिमल्स का राइट right, लेफ्ट दोनों साइड्स मौजूद हों और बाइलेटरलमेट्री वो होगी जिसमें एनिमल्स को हम इसके दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं लाइक like उसका ये राइट right हिस्सा ये उसका लेफ्ट हिस्सा है जबकि रेडियल मेट्री में हम जानवरों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते अब इसमें नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फ्लैटवाम्स एनीलिड्स निमाटोड्स ये एनिमल्स के वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर रेडियल समिट्री जो है वो मौजूद है इसके अलावा एनिमल्स के अगर हम आर्किटेक्चरल प्लांट्स देखें इस बेस पे जानवरों को हम तीन ग्रुप्स में भी डिवाइड कर देते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इनकी मौजूदगी को ज़ाहिर करता है उस बेस पे वो है इसकी बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी कुछ जानवरों में मौजूद होगी कुछ जानवरों में ये मौजूद नहीं होगी और कुछ जानवरों में इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी तो इन वर्टीब्रेड्स जो एनिमल हैं इनको बॉडी कैविटी की मौजूदगी की बिना पर हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं सिलोमे एसिलोमेट्स एसिलोमेट्स वो होंगे जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है इसमें जानवरों का ग्रुप फ्लैट वर्म्स जो है वो इंक्लूड होता है दूसरा है इसके अंदर यूसिलोमेट्स यू सिलोमेट्स के अंदर सिलोम जो है वो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड नहीं है इसमें एनिलिड्स बोलस आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडम्स और कॉर्डेट्स इंक्लूड है फिर जानवरों का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सूडोसिलोमेट्स सूडोसिलोमेट्स के अंदर बॉडी कैविटी जो है वो भी प्रॉपरली वेल डेवलप्ड नहीं है इसके अलावा जो जानवरों का ग्रुप सिलोमेट्स होगा इसके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी प्रॉपरली मौजूद होती है इसी बेस पे हम जानवरों को हायर एनिमल्स और लोअर एनिमल्स जो है वो करार देते है। सिलो हैं सिलोमेट्स आम तौर पर हायर एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट जो है अगर हम समिट्री की बात हमने शुरू में की सीमिट्री को क्या हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स such that any plane passing through central axis divides the body into two equal halves fis may have biradial symmetry pentaradial symmetry biradial symmetry andar the paired arrangement of some structures in radially symmetrical animals or pentaradial symmetry in this case the arrangement of structures in fives around radially symmetrical animals फिर बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स जो हैं ये एनिमल्स हायर क्लास में इंक्लूड होते हैं और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर कैफेलाइजेशन है ये एनिमल्स जो हैं दे कैन ईजीली मूव और प्राइमरीली ये एनिमल्स जो हैं दे मूव इन वन डायरेक्शन फॉक्स जो है या हायर एनिमल्स टाइगर फॉक्स ह्यूमन बींग्स ये दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री अब इस शक्ल से आप देख सकते हैं कि जानवरों के जो हमने बात की एस रेडियल रेडियल्स और बायोलेट्रल्स मिट्री की एस में आप देखें स्पॉन्जिस जो है ये मौजूद हैं रेडियल मिट्री में सिलेंट्रेट्स हाइड्रा की एक्सीलेंट एग्जाम्पल है और बायोलेट्रल्स मिट्री में ये माउस रैट फॉक्स जिनकी हमने बात की ये सारे के सारे बायोलेट्रल्स मिट्री में मौजूद है फिर हम ये देखते हैं कि इसी जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बुनियाद पर भी हम जानवरों को यूनिसेलुलर यानी कि वो जानवर जो कि एक सेल पर मुश्तम है और ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जिसमें टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जिसके अंदर थ्री जर्म्स लेयर प्रेजेंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक्स के अंदर एसलोमेड पैटर्न है फूडोसिलोमेड पैटर्न है और सिलोमेड पैटर्न है जिसका हमने प्रीवियसली आपको बताया अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी जिसमें जानवरों में सिर्फ एक सेल मौजूद है इनको हम साइटोप्लाज्मिक भी कह देते हैं ये जो हैं ये जानवर इनके अंदर सिंपल मोड ऑफ लोकोमोशन होगा फूड एक्विजिशन के तरीके सिंपल होंगे डाइजेशन वाटर आयन रेगुलेशन सेंसरी परसेप्शन और रिप्रोडक्शन जो है दैट इज क्वाइट सिमिलर और इन एनिमल्स जे को ये ज़्यादातर एक सेल्स का एग्रीगेट बना के रहेंगे दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज एनिमल्स दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज अब ये यहाँ पे आप देखें ये एग्जाम्पल है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की पैरामीशियम अम्बीबा और युगलिना इनके अंदर ये आप देखें सिंपल मोड ऑफ़ फूड इंटेक है सिंपल टेम्प्रेरी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनेगी और ये जो है यहाँ से फूड को इनगल्फ कर देंगी यह यूगलिना है युगलिना मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्लेजैलम अब डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें बॉडी पार्ट्स की टू लेयर्स होंगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक्टोडर्म जो है वो देखें इससे जो बॉडी पार्ट्स बनेंगे वो हैं एपिडर्मस आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल एंडोडर्मस इससे बनेगा गैस्ट्रोडर्मस टिश्यूज दैट यूजुअली लाइन द गट कैविटी फिर ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इस डायग्राम में आप देखें तीनों बॉडी लेयर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से अरेंज हैं एंडोडम अंदर की तरफ मिजोगलिया एक्टोडम बाहर की तरफ एंडोडम अंदर की तरफ है और इसके दरमियान में जो जेली लाइक -like स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे मिजोगलिया और सबसे इंटरनल जो है वो गट मौजूद है अब ये आप देखें इसके अंदर हाइड्रा सी एनिमून जेली फिश अब आप ये गैस करें ये कौन सी बायोलेटरलमेट्री इन में मौजूद है या इनके अंदर रेडियल समिट्री मौजूद है स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हमने आपको जानवरों की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया एक्टोडम के बारे में बताया एंडोडम के बारे में बताया मीजोडाम के बारे में बताया रेडियल समिट्री बायोलेटरल समेट्री के बारे में बताया अगले मॉड्यूल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जानवरों की मुख्तफ अकसाम के अंदर ये आर्ट्स अपने आप को किस तरह से मज़ीद अरेंज करते हैं